तो दोस्तों फाइनली मोटोरोला अपने मोटो एच 50 सीरीज में एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुका है और यहाँ पर इस स्मार्टफोन का नाम है मोटो एच 50 फ्यूजन। मोटो एच 50 फ्यूजन जो स्मार्टफोन है मोटो एच 50 सीरीज का स्मार्टफोन है और यहाँ पर काफी सस्ती प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है। अब यहाँ पर इंडिया में ऑलरेडी मोटो एच 50 प्रो वगैरह जो स्मार्टफोन में लॉन्च हो गए। आज की इस वीडियो से बात करने वाला हूं मोटो एच 50 फ्यूजन स्मार्टफोन की पूरी डिटेल के बारे में, स्मार्टफोन के क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, क्या डिजाइनिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। मोटो एच 50 फ्यूजन जो स्मार्टफोन है वो फिलहाल यहां पर अगर बात करें स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में तो मोटो एच 50 प्रो जैसी डिजाइनिंग जो है यहां पर दी गई है। आपको कुछ इस टाइप का कैमरा पैटर्न, इस टाइप की डिजाइनिंग यहां पर देखने को मिलती है। पीछे की साइड से जो स्मार्टफोन है वो काफी ठीक ठाक से हमें देखने को मिलता है। फ्रंट के साइड में आपको कर्व डिस्प्ले डिजाइन के साथ में जो डिस्प्ले है वो फिलहाल यहां पर दी गई है। बात करें हम यहां पर स्मार्टफोन के अगर कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में कि फीचर्स क्या है इस स्मार्टफोन में, तो इस स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस की एक FHD प्लस पोलेट डिस्प्ले पैनल दी गई है और यहां पर जो डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं पर्टिकुलरली तो उसके हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। स्मार्टफोन में 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है जिससे अगर आप सनलाइट में भी स्मार्टफोन को यूज करना चाहें तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली इनफैक्ट ब्राइटनेस को लेकर के। साथ ही साथ स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का जो सपोर्ट है वो दिया गया है जिससे स्मार्टफोन अगर गिरता है तो जल्दी जो डिस्प्ले है वो यहां पर टूटेगा नहीं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Zen 2 का प्रोसेसर दिया गया है तो प्रोसेसर ठीक ठाक है, Zen 3 अगर होता तो और भी ज्यादा बेटर होता, लेकिन Zen 2 भी अच्छा प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, चीजें स्मूथली काम करने वाली हैं। स्मार्टफोन LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ में देखने को मिलता है। तो यार ये जो चीज है ना वो थोड़ी सी अब पुरानी लगती है, कम से कम प्रोसेसर अच्छा है, डिजाइनिंग अच्छी है, तो कम से कम UFS 3. जो स्टोरेज टाइप है उनको यूज करना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर 12GB वेरिएंट जो है वो LPDDR5 रैम के साथ में आता है तो ये अच्छी बात है। और यहां पर एंड्रॉइड 14 के साथ में जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ यहां पर 50 मेगापिक्सल का OIS बेस्ड जो कैमरा है वो पीछे की साइड दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और यहां पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा विद सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन सेल्फी के लिए दिया गया है जिससे जो सेल्फी है वो काफी अच्छी आने वाली है। स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, 68 वैट का चार्जर दिया गया है जो कि बॉक्स में होगा। साथ ही साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, IP68 की रेटिंग है और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट है, वाईफाई 5 है, 2 माइक्रोफोन यहां पर दिए गए हैं, NFC का जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कोई साइड माउंटेड वगैरह आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। 7.9mm स्मार्टफोन की थिकनेस, यानी थिकनेस बहुत ज्यादा थिक नहीं है, स्मार्टफोन स्लिम बॉडी के साथ में आपको देखने को मिलता है। 75 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट है तो वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन है मोटो एच 50 फ्यूजन स्मार्टफोन के बारे में जो कि कल फिलहाल यहां पर यूरोपियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस क्या आई है और यहां पर स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है। तो मोटो एच 50 फ्यूजन जो स्मार्टफोन है वो कुछ यहाँ पर अगर हम इसके यूरोपियन प्राइस को कंपेयर करें इंडिया प्राइसिंग से तो लगभग 35,000 रुपये की आसपास में जो प्राइसिंग है वो निकल कर आती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। स्मार्टफोन में जो स्मार्टफोन है वो बेहद ही कम प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला और यहां पर सुनने में आ रहा है कि 20-25,000 के बीच में स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो लॉन्च हो सकता है। अब अगर इस प्राइस पॉइंट पर आता है स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेटर होगा। वैसे आपका क्या ओपिनियन है मोटो एच 50 फ्यूजन स्मार्टफोन के बारे में, आपको स्मार्टफोन कैसा लगा, इसकी प्राइस आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया में, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों के साथ उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले।